भवानी मंडी उपखंड कार्यालय में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक एवं जनसुनवाई कार्यक्रम हुआ आयोजित, जिसमें सभी विभागों से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही अतिरिक्त कलेक्टर झालावाड़, जिला जनसंपर्क अधिकारी अनुप्रिया, उपखंड अधिकारी कमल कुमार मीणा, भवानी मंडी डग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष झालावाड़, पुलिस वृत्ताधिकारी किशोर सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। ट्रेडिशनल एसपी जी, डीएफओ साहब चेतन जी, मेरे ऐसे अरविंद जी सारस्वत, मैं उपस्थित सभी अधिकारीगण, तो मुझे आने में देरी हुई क्योंकि आज जिस ट्रेन से मैं दिल्ली से रवाना हुआ वो सुबह 10:40 पे कोटा पहुंचने का उसका निर्धारित समय था और रास्ते में इंजन में मिस्टेक आने के कारण लगभग 4.5 घंटा ट्रेन लेट पहुंची। इस कारण से मैं देरी से आ पाया, आप लोगों को असुविधा हुई उसके लिए। बजट घोषणा की जो मैंने विश्लेषण किया, ये देखने में आया कि अभी भी 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 ये कुछ कार्य प्रगति रहते हैं, कुछ अभी अपूर्ण है। संबंधित विभाग के अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उसको प्राथमिकता से शुरू करें, जिस भावना से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उनकी घोषणाएं की है उसका जनता को लाभ मिल सके। फ्लैगशिप योजनाओं के लिए अधिकांश फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति गत वर्ष से अच्छी है, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष भी सभी अधिकारी अपना मनोयोग से कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना, बाल गोपाल योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, स्कूटी वितरण योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना जैसे अत्यंत जन कल्याणी जो की जो योजना है उन पर विशेष ध्यान दें। जनाधार कार्ड की जो अभी बाकी है उसके लिए भी आपने संबंधित को जिम्मेदारी देकर प्रभावी मॉनिटरिंग करवाकर वो भी बाकी लोगों को भी उसका वितरण हो ये सुनिश्चित करें। मंगाई रात कैंप में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो केंद्र सरकार की जो गलत नीतियों के कारण जो महंगाई बढ़ी है उसको मद्देनजर रखते हुए एक से बढ़कर एक जो जन कल्याण की योजनाएं तो लागू की है और आप सब लोगों ने उसमें मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप कैंप लगा लगा कर शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में लाखों लोगों का यहाँ झालावाड़ जिले में भी रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर भी जो स्थानीय हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जो फीडबैक है कि अभी भी कई लाभार्थी बाकी हैं, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जो वंचित जो रहे हैं उनको आगामी ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय कैंपों में उनका पंजीयन कराएं ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके, ये आप सुनिश्चित करें। साथ ही लाइट की और पानी की जो हमारे जिम्मेदार साथियों ने जो समस्या बताई है इसके लिए ऐसे काम जैसा आपने कहा कि भाई पद रिक्त है तो जिसको आपने चार्ज दिया आप उसको जिम्मेदारी दें और अगर वो भी लापरवाही करता है तो आप उसको 16 CC की चार्जशीट दें। आम जन से जो जुड़े हुए सेक्टर हैं बिजली और पानी, इनमें लोगों को इस तरीके की असुविधा हो, 12-12 घंटे 16-16 घंटे तक लाइट जाए ये अच्छी परंपरा नहीं है, इसके लिए आप बारीकी से चेक कराएं जिस स्तर पर जो कमी है उसको दुरुस्त करें और ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। पानी के लिए भी जो अभी उस समस्या जो बता रहे थे उसकी भी आप मॉनिटरिंग करें और उसको भी आप चेक कराएं, जहाँ जो कमी है संबंधित अधिकारी को आप निर्देशित करके और सप्लाई व्यवस्थित हो ये आप सुनिश्चित करें। साथ ही अभी बारिश का समय है तो मौसमी बीमारी भी पसरेगी तो उसके लिए आप मेडिकल सेक्टर में CSC, PSC ब्लॉक स्तर पर जहाँ जहाँ जो जो आवश्यकताएँ हैं, जहाँ कोई अगर कोई दवा की कमी हो, कोई स्टाफ की कमी हो
तो आप उनको प्रतिनियुक्ति करके कहीं ज़्यादा हैं तो उनको एडजस्ट करके सब तक आप सुरक्षित व्यवस्था करें ताकि मौसमी बीमारी में आम जन को कोई असुविधा ना हो। इसके साथ साथ जो बाढ़ वाले जो क्षेत्र हैं एडम साहब, जहाँ पर जैसे पिछली बार झालावाड़ में बाढ़ आई तो झालावाड़ के मेन झालावाड़ में मैंने भी उसमें दौरा किया था, कई बस्तियाँ उसमें जलमग्न हो गई थी। ऐसे जो जो स्थान है उनको आप चिन्हित हैं उनको पहले से ही वहाँ के लोगों को अलर्ट करना। पिछली बार भी ये हुआ था कि ऊपर का जो डैम अपने पर्वत पर जो मध्य प्रदेश में जो डैम बना है उसमें अचानक पानी छोड़ने की वजह से वो परिस्थिति निर्मित हुई थी। उसके लिए आप मध्य प्रदेश के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके कि भाई जब भी आप पानी छोड़ें तो वो आपको पहले एडवांस में जानकारी दें ताकि आप मुनादी करा सकें, लोगों को अलर्ट कर सकें ताकि जान मान की हानि नहीं हो, सामान की हानि नहीं हो, लोगों को जो असुविधा पिछली बार हुई उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये आप अपने स्तर पर इसका सुनिश्चित करें। पुनः आप सभी को मेरा यही अनुरोध है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है उसके अनुरूप आप जन से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, इन सभी सेक्टरों में जहाँ जो जिस स्तर पर जो कमी है उसकी आप प्रभावी मॉनिटरिंग करके और लोगों को आप राहत प्रदान करें, इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार।